मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलिया बलिदान दिवस पर शुक्रवार को बलिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने यहां आयोजित कार्यक्रम में जिला कारागार से निकले ऐतिहासिक जुलूस को हरी झंडी दिखाई। 19 अगस्त 1942 को बलिया पूरे देश में 5 साल पहले ही स्वतंत्र हो गया था, इस लिहाज से ये बलिया की 21वीं आजादी की वर्षगांठ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलिया बलिदान दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित सभा में कहा कि बलिया में जिला कारागार को शहर से बाहर शिफ्ट किया जाएगा। बलिया में जिला कारागार को बाहर शिफ्ट किया जाएगा, यहां पर बलिदानियों का स्मारक बनाया जाएगा। तो बेहतरीन प्रयास करें और मैं यहां पर चाहूंगा, आज हमारे मुख्य सचिव भी यहां पर आए हैं, वे चूंकि बलिया में पढ़े हैं तो बलिया के बारे में विशेष रूप से, बलिया जेल के बारे में, बलिया जेल को बलिया के बाहर कहीं स्थानांतरित करते हुए यहाँ पर एक भव्य स्मारक बने, मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए कार्य योजना विस्तृत रूप से तैयार करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। बलिया की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। परिवहन मंत्री आप ही के यहाँ के हैं इस समय। तो साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। 3 घंटे में बलिया से लखनऊ की कनेक्टिविटी होगी। बस स्टेशन आधुनिक बनेगा, इलेक्ट्रॉनिक बस चलाया जाएगा, बजट की कोई कमी नहीं होगी। बलिया को आगे बढ़ने के दिशा में काम किया जाएगा, हमारे पास अपना अभिलेख होगा। सरकार ने समाज के हर वर्ग को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया है। और परिवहन मंत्री इसीलिए बने हैं जिससे बलिया से लखनऊ की दूरी को निरंतर ये कम करते रहे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक लिंक वे हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं बलिया के लिए भी। जमीन अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है, ये काम भी तेजी के साथ होगा और बलिया को हम जोड़ेंगे जिससे बलिया से 2 से 2.5 घंटे के अंदर ही आप लोग लखनऊ पहुंच जाए। इसीलिए 2 से 2.5 घंटे इस दूरी को कम करने के लिए सड़क का काम हम करेंगे और यहाँ के बस स्टैंड को बहुत अच्छा एयरपोर्ट जैसा बस स्टेशन बना दे बलिया के अंदर। ये परिवहन मंत्री से मैं कहूँगा कि अच्छा बस स्टेशन यहाँ का बलिया का होना चाहिए जिससे लोगों की कनेक्टिविटी बेहतर हो सके। कुछ इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ नगर के अंदर चलवाइए, बलिया इस नगर के दायरे को बढ़ाइए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए। सरवा ताल के बारे में कुछ कार्य आप लोगों ने किया है, शेष कार्य भी और आगे होंगे। बलिया को जल जमाव से मुक्त भी देना है और बलिया के विकास को एक नई ऊंचाई पे पहुंच करके यहाँ के लोग विकास के साथ जुड़ करके जिस तरीके से भारत के विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उस पूरी भाव के साथ हम आगे बढ़ करके इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि इस दिशा में रुचि ले रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कुछ लोगों ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की। जेपी ने उस दौरान मोर्चा लिया था, चंद्रशेखर जी का भी अहम योगदान रहा। जनता पार्टी ने उस समय जो काम किया था वो अविस्मरणीय है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।